हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो लिविंग इन साइप्रस, साइप्रस में जो न्यू फ्रेंड्स आना चाह रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों को मैं यहाँ की रेजिडेंस के बारे में बताऊँगा कि यहाँ की रेजिडेंस का, यहाँ पर रहने का कितना एक्सपेंस आता है, ईटिंग एक्सपेंस का कितना आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ITC मतलब जो एक्सपेंसेस आते हैं वो। ओवरऑल मैं आप सबके साथ आज सारी चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक पॉइंट भी इसमें स्किप करने वाला नहीं है। तो चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं रेजिडेंस पर। रेजिडेंस यहाँ की तीन करेंसियों पर चलती है, डॉलर, यूरो एंड लीरा TL। तो कुछ यहाँ पे लोग रेंट जो हैं वो 3, 4, 5, 6 महीने का एडवांस लेते हैं, एक महीने के रेंट पे या कंटिन्यूसली जो एक महीने पर मंथली रेंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा कम घर मिलते हैं। हाँ, अगर मिल भी जाएँ तो उनके रेंट थोड़े से ज़्यादा होते हैं या थोड़ी सी उनके साथ बहस करनी पड़ती है, अगर वो सुन लें तो ठीक है, ना सुने तो वो फिर नहीं, रेंट कम नहीं करते। रेंट अब जो शुरू होता है वो शुरू होता है TL में, यानी कि लीरा में 1600, 1800 से 2000 तक, 2+1। अब उसमें ये होता है घर अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है, हर चीज़ उसमें अवेलेबल होती है, टू प्लस वन में। अब आप पे डिपेंड करता है आप उसमें कितने लोग एडजस्ट करना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट्स एडजस्ट करना चाहते हैं, कितने वर्कर एडजस्ट करना चाहते हैं, या कितने आप लोग जो दूसरे हैं वो एडजस्ट करना चाह रहे हैं। ये तो हो गया रेंट 1600 से 2000 तक, 2+1। इससे कम भी मिल जाते होंगे क्योंकि मेरी वीडियो देख के बहुत से लोग कहेंगे भाई ये हो गया, जो यहाँ पे रह रहे हैं वो कह रहे होंगे भाई नहीं इसे भी सस्ते मिलते हैं, ये मिलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैं पहले ही बता दूं, इसे सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आके जिन्हें टाइम हो जाए उसके बाद वो फिर स्ट्रगल करें, थोड़ी सी ढूंढें तो फिर जाके उन्हें मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। मैंने भी बहुत ज़्यादा सर्च की है लेकिन मुझे भी अभी तक नहीं मिला, साल होने वाला है मुझे भी यहाँ पे, मुझे भी अभी तक कोई कम नहीं मिला फ़िलहाल। तो वेल, ये हो गया रेंट। दूसरा चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है मंथली वो तकरीबन 150 से लेके 300 के दरमियान, 150 लीरा से TL से लेके 300 TL के दरमियान रेंट आता है। हाँ, अगर आपने AC चलाना है तो उसके आप समझ लें कि 350-400 तक समथिंग तक आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये मैं आपको लीरा में प्राइसेस बता रहा हूँ, हर चीज़ की प्राइस लीरा में बता रहा हूँ। यूरो में भी कुछ घर वाले होते हैं लेकिन वो सिर्फ रेंट जो होते हैं वो यूरो में लेते हैं, तो एक बात ये होगी। इसके अलावा यहाँ पे पानी का भी बिल आता है, हर घर में पानी का बिल भी आता है। पानी का बिल कितना आता है, 60 लीरा से ले कर 100 लीरा के दरमियान, या तो फिक्स होता है पानी का बिल, या तो फिर वो आपको 60 से 100 के दरमियान लीरा के दरमियान पानी का बिल आता है। ये हो गया पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और मच्छर तंग कर रहा है बड़ा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक और भी बिल होता है जो अच्छे घर होते हैं उनके लिए, वो ये होता है कि जो स्टेयर्स जा रही होती हैं आपके फ्लोर तक, उसमें ऑटो लाइट होती है, उसमें जब आप ऊपर चलते जाते हैं तो ऑटो लाइट चल पड़ती है, उसका भी मंथली रेंट होता है, उसका भी 50 लीरा मंथली रेंट होता है। ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा जो आपको मैं हर चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ। पहले ही मेरी बहुत सी बातों से कहते हैं यार भाई आप तो सच ही बोलना शुरू कर देते हो, या साइप्रस के कई लोग हैं, अब मैं क्या बताऊँ, वो कहते हैं यार ये भाई तो हर चीज़ सच्ची बताना शुरू कर दी है, ये वो ऐसे वैसे। खैर,
जो बातें थी वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। वेल, इसके अलावा जो यहाँ पे खाने पीने का खर्चा है, खाने पीने का जो एक्सपेंस है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो है यहाँ की करेंसी डे बाय डे लो भी होती जा रही है, और उसके अलावा करेंसी लो होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। अब ये पाकिस्तान थोड़ी है कि यहाँ पे हम कहें ये है वो है ऐसे है वैसे है, चुप करके लोग ले रहे हैं जो चीज़ लेते हैं, जिस चीज़ में उन्हें लगे कि ये ज़्यादा है वो फिर बोलना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज फ़िलहाल कोई ऐसा सीन नहीं है, फ़िलहाल मोस्टली चीज़ों में प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। मंथली अगर आपने खाने पीने का करना है, अच्छा करना है, तो उसमें आपका तकरीबन 400 TL या 500 TL तक मंथली आपका आता है। ये सिर्फ खाने पीने का कह रहा हूँ। अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपने करनी है, शहर के अंदर आपने ट्रांसपोर्ट पे आपने विज़िट करना है, तो उसके चार लीरा उसके आप लोगों को पे करने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के हैं 4 लीरा। अगर आपने एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना है तो उसमें 12 लीरा से लेके 15 लीरा तक हैं, आने जाने का नहीं, सिर्फ जाने का, आने का फिर आप डबल कर लें। तो ये ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे रेजिडेंस का खर्चा है। इसके अलावा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी है, लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाना है, बार्स वगैरह पे जाना है, या किसी और जगह पे आपने अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी है चिलिंग फन वाली, तो उसको उसके आप समझ लें कि 500 लीरा या 1000 लीरा तक भी आप मतलब मंथली आपके हो सकते हैं एडजस्टमेंट। क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में चले जाओ 50 लीरा 60 लीरा 70 लीरा 80 लीरा तक लगते हैं अगर आप खाना वगैरह खाते हैं, अगर आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं तो वो 5 से 10 लीरा के दरमियान आप एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक सिर्फ जस्ट आइसक्रीम खाई तो। ये हो गया रेस्टोरेंट्स का। इसके अलावा जो यहाँ पे अगर आपने स्पेशल टैक्सी बुक करवा के जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो वो कम से कम आपके 100 से 150 लीरा तक लेंगे, 100 से 150 लीरा तक लेंगे। अगर आपने सिटी के अंदर ही मूव करना है तो आपके 30-40 लीरा तक लेंगे। तो ये मेरी आज की वीडियो थी आज की। मैंने आपको यहाँ पे जो न्यू मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं उनको मैंने ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ मैंने क्लियरली बता दी है कि यार ये यहाँ पे रहने के रेजिडेंस का खर्चा है, हर चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दी है। तो काइंडली यहाँ पे आने से पहले इन चीज़ों को, मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्यों या फिर वो वाले फ्रेंड जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं वो मेरी काइंडली ये वीडियो देख के अपने सब चीज़ें खर्चे अखराजात सब चीज़ें मैनेज करके तो ही यहाँ पर आएँ, और उनको मैं मोस्ट वेलकम कहता हूँ। मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को डिग्रेड करूँगा कि यार आप ना यहाँ पे आए ना यहाँ पे आए, कि मैं आपको हर चीज़ क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि यार ये ना हो यहाँ पे आके आप घर वालों पे अपना बर्डन डालें कि घर से पैसे दें ये करें वो करें। इसलिए मैं इन चीज़ों को की तरफ आपको या मेरी ये वीडियो बनाने का कोई नेगेटिव मकसद नहीं है, पॉजिटिव वे से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, लाइक वीडियो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। वैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा कमेंट करेंगे। तो इसके साथ चलते हैं, नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।